कि ऊंची आवाज से नमाज़े फर्ज के बाद जिक्र करना ये सरकार की सुन्नत है, और जो उन्होंने इतराज़ किया था हदीस ज़ईफ़ का उसके मैंने दो जवाब रख दिए। अब जो बंदा ये कहता है कि जनाब लेट से आने वाले उनकी नमाज रिजर्व होती है, इसलिए उनको डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए ऊंची आवाज से जिक्र नहीं करना चाहिए। मैं ये सवाल करूंगा कि यार फिर लोग जल्दी आए थे, टाइम से आए थे, उन्होंने क्या कसूर किया है कि उनकी तुम सुन्नत जाया कराते हो। एक बात इस मौके पर मुझे कहने कि जो आप बिदत बिदत की रट लगाते हैं, बिदत किसे कहते हैं? बिदत हर नई चीज को नहीं कहेंगे, जो बिदत सही है बुरी बिदत जिसके जिसके इस्लाम के अंदर नबी पाक के साथ इस्लाम ने बार बार जिससे मना फरमाया है कि कुल बिदत दलाल को वो कुल दलाल की नार, कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में है, वो कौन सी बिदत है, कौन सी बिदत को कहा जाता है? अगर इसका देखा जाए कि हर बिदत गुमराही है तो अभी जो आजान मौसम देगा ना, ये आजान मेरे सामने खुवाहिश पड़ी है, इसके अंदर इमाम बुखारी ने नकल करवाई है कि ये तो पहली अजान, और इमाम बुखारी उसको तीसरी अजान करके कहा है कि पहली जो दो अजानें हैं वो इमाम के सामने जो मौजूद देता है खुतबे से पहले वो, और इमामत उन्होंने दो अजानें कहे तो ये तीसरी अजान सुनाए पहले दी जाती है जो कि मौजूद देखे। इस अजान के बारे में इमाम बुखारी ने यह फरमाया है कि ये अजान ना नबी पाक के साथ सलाम के जमाने में थी, ये आजान ना हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में थी, ना ये आजान हजरत फारूक आजम के जमाने में थी। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये तो कुरान की आज नाजिल हो चुकी है, दीन मुकम्मल हो चुका है, और सहाबी का ये स्टेटस नहीं है कि सहाबी नया दीन दे, नया दीन देना ये रसूल का काम है, ये नबी का काम है, गैर नबी नया दीन नहीं देता। तो जाती बात है नया दीन देना किसका काम है? अल्लाह के रसूल का काम है ना, किताब नहीं लाते थे अल्लाह का रसूल देगा, दीन के बारे में कोई नई बात बताएगा अल्लाह का नबी या रसूल बताएगा, कोई नई बात जो दीन के हवाले से होगी सहाबी का स्टेटस क्यों दे सके? अब जब ये आजान ना नबी पाक के साथ सलाम के जमाने में थी, ना सिद्दीक अकबर के जमाने में थी, ना फारूक आजम के जमाने में थी, तो क्या ख्याल है इससे पहले, इस आजान से पहले जो जुमे होते थे वो ना मुकम्मल थे, इनकम्प्लीट थे या कम्प्लीट थे? सोच के बताए। ये जो जुम्मे में अजान देते हो, द फर्स्ट अजान यू गिव बिफोर खुतबा, दैट इज बिदअत, दैट वाज नॉट इन द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट वाज नॉट इन द टाइम ऑफ हजरत सिद्दीक अकबर, नॉट इन द टाइम ऑफ हजरत फारूक आजम, ये बिदअत है, ये नई बात है, नबी पाक के साथ सलाम के जमाने में नहीं थी, फारूक आजम के जमाने में नहीं थी, सिद्दीक अकबर के जमाने में नहीं थी। शुरू किसने की है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने शुरू की, उनसे पहले नहीं। अब मुझे बताए जो बंदा कहता है कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में है, तो बताओ आज सारी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमानों में ये अजान दी जाती है कि नहीं दी जाती? तो जितने अजान देने वाले, अजान सुनने वाले, अजान शुरू कराने वाले मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें मिलाद की बिदत का नाम देने के लिए, ये मिलाद ईद के अंदर तो कोई चीज नहीं है ना, उसका कोई मखसूस दिन तो नहीं है ना, लेकिन ये तो जुमे की इबादत में शामिल की गई है, और जुमे की इबादत में बतौर इबादत में किसी चीज को शामिल करना, किसी चीज को फर्ज वाजिब में सुन्नत करार देना, ये तो नबी का मनसब है, गैर नबी का मनसब तो नहीं है। फिर किस अथॉरिटी के तहत तुमने इसको तस्लीम किया है? किस अथॉरिटी के तहत तस्लीम किया है? मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, जिसने कोई नई सुन्नत इजाद की इस्लाम के फायदे के लिए हो, उसको उस नई सुन्नत के इजाद का फायदा होता है, सवाब होता है। बंदा कह सकता है कि वो खुलफाए राशिदीन में से थे इसलिए उन्होंने ये सुन्नत इजाद की है, तो मैं कहता हूँ खुलफाए राशिदीन ने क्या बताया कि हम भी नबी नहीं, नबी हम भी नहीं, नई चीज हम भी इजाद नहीं कर सकते, उस अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन के, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत ये वाजिब है, इस पर अमल करना है। तो हजरत उस्मान गनी ने ये नई आजान याद करके क्या हमें बताया? कहा कि देखो मैं नबी नहीं हूं, मेरा काम नया दीन देना नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं दीन के फायदे के लिए वो चीज इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जो दीन को फायदा देगी,
फारूक आजम का तो हजरत उस्मान गनी का तो ये काम इस बात की तरफ मुशीर है, इस तरफ हमें हिमायत कर रहा है कि अगर कोई दीन के फायदे की चीज हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ किया बिदत की बात तो क्या ही है। अब मैं उससे पूछता हूं बिदत के बारे में, आपने बताने में कहा कि बिदत उस बिदत सही आप उस अमल को कहेंगे कि जिस अमल के करने की वजह से कोई सुन्नत मिस हो जाए, कोई सुन्नत जाया हो जाए, उस अमल का नाम बिदत सही होगा कि इस काम की वजह से आपकी सुन्नत जाया हो गई, आप सुन्नत को छोड़े तो सुन्नत फौत हो जाए, सुन्नत जाया हो जाए, उसके मुकाबले में जो काम किया जाए उसको बिदत सैया कहेंगे। है ना, सुन्नत फौत हो जाए, उस सुन्नत फौत करने वाले अमल को बिदत सैया कहेंगे। आप लोगों की तवज्जो नहीं है या मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं अपनी बात ही समझा सका। बिदत सैया बुरी बिदत बैड बिदत किसे कहेंगे कि ऐसा एक्शन ऐसा काम जिस काम की वजह से आप उस सुन्नत पर अमल ना कर सके जो नबी पाक अलैहि सलाम से बनी है। वो काम जो नबी पाक अलैहि सलाम ने किया था वो काम आप ना कर सके किसी और काम की वजह से। मसलन एक साथी सी बात है, जो मुसलमानों को आदाब सिखाए जाते हैं घर में दाखिल होने घर से निकलने, घर में जब आप बैठक बना टॉयलेट जाते हैं टॉयलेट के बारे में टॉयलेट के अंदर आप जाते हैं तो सर को ढांप के जाना टॉयलेट के अंदर की सुन्नत है, लेकिन अब सर को नंगा करके टॉयलेट में गए तो आपका सर को नंगा करके जाना उस सुन्नत के मुखालिफ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये बिदत से क्या होगी, ये बुराई होगी जिसकी वजह से आपका एक काम सुन्नत फौत हो जाए। तो जाती है बात की। अब मैं कहता हूं हमने बुखारी शरीफ भी पेश कर दी, मुस्लिम शरीफ भी पेश कर दी कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी पाक अलैहि सलाम के जमाने में फर्ज नमाज के फौरन बाद ऊंची आवाज से जिक्र करना ये सरकार का जो सरकार के सहाबा का भी फैशन था। बात तो बुखारी से पता चली ना, पता चली नहीं जो कि आपके सामने रखी है कि ऊंची आवाज से जिक्र करना ये नबी पाक के साथ सलाम की सुन्नत है, सरकार के सहाबा की सुन्नत है। फर्ज नमाज के फौरन बाद जो उठ के चल पड़ेगा हम उससे पूछेंगे बताओ वो जो जिक्र करे हैं वो बुखारी के मुताबिक तो सुन्नत करे हैं जो उठ के जा रहे हैं ये क्या के उस वक्त जिक्र करना ये सुन्नत है और छोड़ के जाना ये बिदत है, और सिर्फ बिदत ही नहीं बिदत से सैया है। क्यों? इस वजह से कि आप एक इस एक्शन की वजह से इस अमल की वजह से आप एक सुन्नत से मालूम हो रहे एक सुन्नत को फौत कर रहे एक सुन्नत को जाया कर रहे, जिस वजह से कोई सुन्नत फौत हो जाए जिस वजह से कोई सुन्नत जाया हो जाए फौत हो जाए मिस हो जाए वो अमल बिदत सैया होगा। पता ये चला नमाज़े फर्ज के बाद फौरन उठ के चल पड़ना ये बिदत सैया है, बैठ के जिक्र करना ये बिदत सैया नहीं है बल्कि उठ के चल पड़ना ये बिदत सैया है। अब मुझे बताओ जो बिदत सैया के कारण रट लगाते हैं ये बिदत है बिदत से छोड़ दो, मेरे ख्याल में आज का लेक्चर जिन लोगों ने सुना होगा इंशाल्लाह अल्लाह को समझेंगे कि आज अगर हम उठ के जाते हैं तो हम सिर्फ जिक्र छोड़ के नहीं जा रहे बल्कि हम जहन्नुम की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। इसलिए कि सरकार ने फरमाया कुल बिदत दलालत व कुल दलालत फिनार, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में है। जब आप सरकार से जो जिक्र साबित है उसको छोड़कर जाएंगे तो आप बिदत जाएंगे, बिदत सैया के मुंतकिब होंगे तो बिदत जाएंगे। आज की इस लेक्चर से ये बात पता चली बिहमदी ताला कि ऊंची आवाज से जिक्र करना ये मेरे पास बुखारी मुस्लिम दोनों पढ़ी हुई है, जो साथी जुड़ने के बाद देखना चाहे तो देख ले, और ये अपनी जो वर्ग है किसी बंदे का